Hey, what's up guys? तो कैसे हो guys? तो दोबारा से खेलने जा रहे हैं हम लोग GTA 5 guys। तो पिछले एपिसोड में यार टक्कर बॉस ने मुझे किडनैप कर दिया एंड भाई बहुत कुछ खतरनाक वाला सीन हुआ एंड वहाँ पर कैसे भी करके लेस्टर ने एक प्लान बनाया और भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर की गैंग ने मुझे आके बचा लिया एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई मेरे घर पर एंड भाई बहुत ज़्यादा ही guys मुझे वहाँ पर टॉर्चर किया गया एंड वीडियो देख लेना जाके guys अपलोड किया एंड वीडियो को लाइक कर देना। ओ भाई ये क्या, एक सेकेंड ये कौन आ गया, ये कोई मेरा फ्रेंड है क्या, ये कौन है भाई, मैं गन उठा लेता। ओ भाई ये तो मार रहा है यार, यार ये क्या कर रहा है यार, पहले इतने फाइट लग रहा है ना, ये मेरे को टक्कर का बंदा आ चुका है। अरे भाई यार ये तो एक ही है, चलो कोई ना इसको मैं आराम से मार लूँ भाई, ज़्यादा लोग ना आ जाए। भाई ये क्या करने आया भाई इधर, ओ भाई लगता है ये सादे लुटेरे लग रहे हैं मेरे को, ये ना सादे लटोरे लग रहे हैं, लगता लूटने के लिए। इन्हें लगा कि यार माइकल किडनैप हो गया तो ये चलो अटैक करते हैं, मुझे तो ये नहीं लग रहा है। और भाई चलो खत्म है भाई, लूटने के लिए आ रहे हैं भाई, देख रहे हो, लग रहा है इनको लग रहा है कि यार माइकल ना किडनैप हो चुका है एंड माइकल की जो फैमिली है ना वो अकेली है तो उससे किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माइकल के पास इतना सारा पैसा, हमने हाइस्ट की थी, टक्कर का पैसा चुराया था, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, लगता है वही चुराने के लिए ना वो इधर आ चुके हैं। भाई देख रहे हो भाई पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। चलो मैं इसको पंचर कर लेता, तो पता नहीं यार मेरे को लेस्टर को बताना पड़ेगा वरना ना यार प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेकंड भाई वही कार एंड इसमें से वही बंदा निकला, भाई कौन सी गैंग है पता नहीं यार, ये डगन के लोग तो नहीं है ना, ये डगन का आदमी तो नहीं दिख रहा है, इसकी लैंग्वेज मेरे को नहीं लग रही है कुछ, आई थिंक हो चुके हैं, एक बार मैं जाके देख लूँ, वही तो नहीं है ना वो। भाई एक और है, एक सेकंड, चलो वो भी ख़त्म है भाई, और है क्या कोई। भाई यार गाइस पहले ही ना इतनी ज़्यादा मुझे गाइस मोच आई हुई है एंड मतलब गाइस चोट आई हुई है एंड ये लोग भाई अटैक कर रहे हैं मेरे पे। चलो कोई ना इनको ना मैं मार देता हूँ एंड आई थिंक, ओ भाई ये कौन है, ये कोई और था आई थिंक। चलो भाई लग रहा है ये भी ख़त्म है, भाई कौन है पता नहीं यार, इसका मुँह देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी गैंग का बंदा है। और भाई भाई मरने के बाद भी मार रहा था, लग रहा है ना यार अभी हमको यार गाइस एक प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब एक सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी हमारे घर के पास, क्योंकि ना ऐसे ही चलता रहा ना वरना भाई कोई भी गैंग का बंदा आके भाई लूटेगा हमें। तो भाई फटाफट से ना मैं लेस्टर को कॉल कर लेता हूँ एंड उसे बोलता हूँ कि यार कोई ना कोई हमें सिक्योरिटी फटाक से दे एंड फिर हम लोग ना भाई प्रोटेक्टेड रहे, मतलब समझ रहे हो भाई बहुत सारे हमने कहीं दुश्मनी कर ली है। तो भी फटाफट से ना मैं कॉल कर लेता हूँ, इससे बात कर लेता हूँ, फिर देखते क्या सीन होता है। सो ऑल राइट गाइस, लेस्टर से बात हो चुकी है एंड यहाँ पर ना हम लोग, उसने बोला है कि यहाँ पर रुकना भी सही नहीं है तुम्हारा एंड जितने भी तुम्हारे घर में लोग हैं ना उसके मानसन पे लेके आ जाओ, मतलब वहाँ पर उसका जो सिगरेट बेस है ना लेस्टर का, तो वहाँ पे हमको जाना है अभी ना भाई। माइकल का घर आपको पता है भाई, ज़्यादा ही अभी गाइस दुश्मन हो चुके हैं, तो अभी फटाफट से हमको निकलना पड़ेगा एंड भाई लेस्टर के पास जाते हैं, देखते वो हमें कौन सी वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एजेंसीज है एंड क्या पता वो हमें बढ़िया वाली एजेंसी ना ढूंढ के देते। तो चलो यार फटाफट से ना मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड भाई देखते भाई क्या पता कौन सी बढ़िया वाली सिक्योरिटी मिल जाए जो कि हमें ना हर एक चीज़ से बचाए। तो यार अभी ना गाइस ऐसे ही चलता रहा तो यार मुझे नहीं लगता यार गाइस सारे गैंग वाले हम पे अटैक करेंगे, पहले ही गाइस अंडर वाटर ग्राउंड वाला जो माफिया है वो भी एंड प्लस जगर बॉस भी एंड बहुत सारे हमारे दुश्मन से यार इस वाले शहर में। तो यार लग रहा है कि हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे यार गाइस, खतरनाक वाला गाइस लेस्टर का घर है यार यहाँ पर एंड उसी से हेल्प लेते हैं एंड भाई देखते ना भाई लेस्टर हमको यार कौन सी वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ना भाई बहुत खतरनाक सीन हो चुका है एंड आई थिंक हम लोग आ चुके हैं लेस्टर के पास। भाई लेस्टर ने नया वाला गाइस बंगला लिया है, चलो भाई इसके बंगले में मैं आया हूँ। ओके भाई यहाँ पर हम लोग गाड़ी भाई देख रहे हो लेस्टर के पास, भाई क्या गाड़ीज खड़ी भाई, और इतने बढ़िया बढ़िया गाड़ीज हैं भाई देख रहे हो, खतरनाक वाला ना भाई क्या क्या कर रखा है भाई, अपने गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है पता नहीं भाई क्या सीन है। तो इनको मैं बोलता हूँ यार तुम दोनों यहाँ पर ही रहना एंड छोटी सी बात करके आ जाता हूँ लेस्टर से एंड फिर देखते हैं। तो ऑल राइट गाइस चलो यार अब तरह मैं इंटर कर लेता हूँ, इनको थोड़ा सा बोलता हूँ तुम लोग बाहर ही हैंग आउट करिए। ओ भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो लेस्टर का घर, भाई भाई क्या बंगला लिया है इसने, मतलब भाई इसके पास सब कुछ इधर ही प्लान होता है, पहले ना भाई सिगरेट मिशन पर रह रहे थे गाइस अंडरग्राउंड वाले में, बट अब इसने ना भाई पब्लिक में घर ले लिया, मतलब भाई किसी का डर ही नहीं है, क्योंकि भाई लेस्टर का नाम इतना खतरनाक हो चुका है ना बिल्कुल ही, भाई कोई पंगा लेना ही नहीं चाहता है क्योंकि टक्कर बॉस खुद डरता है इधर।
तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई। एंड भाई इतने ढूंढने के बाद मेरे को यहाँ पर मिल चुका है लेस्टर। और भाई यहाँ पर लेस्टर तो भाई देख रहे हो भाई क्या ही प्लानिंग है। एंड यहाँ पर फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों हैं। एंड यहाँ पर ये देख रहे हो भाई कुछ काम कर रहा है लेस्टर। ओके उससे हम लोग बात कर लेते हैं एंड क्या सीन है क्या नहीं इससे पूछ लेते हैं। सो ऑलराइट गाइस इसने तो बात कर ली एंड इसने बोला कि बहुत सारे एजेंसी हमारे पास अवेलेबल है एंड इसके कॉन्टैक्ट में तो हमें शो करेगा। बट उसे ना एक बढ़िया वाली एजेंसी पता है तो हम लोग उसी से ना मिलने जाते हैं एंड देखते हैं अगर हमें पता चले तो वो कुछ बात कर रहा है एजेंसी वाले से, कुछ कॉन्टैक्ट मीटिंग करने के लिए डील करने के लिए ना वो लोकेशन पर बुला रहे हैं। तो ओके वो जब तक बात करते हैं हम लोग ना आगे चले जाते हैं एंड देखते हैं भाई इसका बंगला भाई कैसा है। भाई भाई बंगला तो बढ़िया है भाई इसके पास। ओ भाई भाई बाइक्स भी खड़े हैं भाई सब कुछ है भाई इसके पास। चलो यहाँ पर एक बार जाके देखते हैं। एंड भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है आई थिंक मेरे को ऊपर जाना है। चलो एंड यहाँ पर ही ऊपर ही जाते हैं एंड देखते हैं भाई क्या क्या सीन है भाई। अच्छा ये वही रास्ता है इधर से आए थे हम लोग। तो अभी हमको आई थिंक हेलीकॉप्टर से जाना है। लेस्टर ने बोला है कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं। तो यार भाई लेस्टर की हेलीकॉप्टर पर जाते हैं एंड भाई देखते भाई ऊपर वो कौन सी वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो ऑल राइट भाई यहाँ पर लेस्टर आ चुका है एंड भाई देख रहे थोड़ा सा पैर में गोली लगी थी भाई इसके अगर आपने देखा होगा तो। चलो यार एंड यहाँ पर गाइस देखते हैं कि यार कौन सी लोकेशन है भाई। एंड यहाँ पर पायलट भाई भी आ चुके हैं भाई साहब हेलीकॉप्टर में बैठेंगे भाई साहब। यहाँ पर गाइस भाई खतरनाक वाली लाइफ हो चुकी है लेस्टर की। मतलब देख रहे हो भाई इतने सारे प्लान्स कर रहा है ना भाई लूट लूट के भाई लोग की भाई जेबें खाली कर दिए मतलब। चलो भाई यहाँ पर मैं इसके साथ बैठ जाता हूँ एंड भाई जो लोकेशन दी है ना वहाँ पर चले जाते हैं। तो भाई खतरनाक वाला हेलीकॉप्टर भाई बिलियंस डॉलर का हेलीकॉप्टर है। अपन भी लेंगे बट अपने के पास तो इतना भी बनी नहीं है गाइस। अभी तो हम लोग के पास एक सुपर स्पोर्ट्स कार तक नहीं है बट चलो कोई ना वो भी हम लोग अरेंज कर लेंगे। फिर थोड़ा जाके हम लोग को अभी सिगरेटें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वरना हमारे जान के लाले पड़ेंगे क्योंकि हमने यार बहुत ज़्यादा ही धोखेदारी वाले काम ही किए। एंड भाई खतरनाक वाला ना भाई क्या ही बोलेगा इसे पूरे शहर में भाई नाम ही खराब हो चुका है बिल्कुल। तो यार अभी यार पूरा लॉस संतोष में हम लोग जा रहे हैं देखते हैं कौन सी लोकेशन है। आई होप कि हमें अच्छी वाली सिक्योरिटी मिले। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि यार कौन सी वाली सिक्योरिटी बढ़िया होगी एंड मुझे कमेंट में सजेस्ट करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार कमेंट ज़रूर कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है एंड एक कमेंट करके ना ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइस आई थिंक लोकेशन हमको आने ही वाली है। जब तक मैं आपको यहाँ पर लोकेशन आई थी बहुत ज़्यादा आपको लोकेशन पर मिलते हैं। तो ऑल राइट गाइज यहाँ पे गाइज दो तीन घंटे के बाद मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक एक घंटा हो चुका है हमको ट्रैवल करते हुए एंड यहाँ पर तो हम लोग आ चुके हैं जो लोकेशन उसने दी थी ना भाई। क्योंकि लोकेशन जो होती है ना भाई ये सीक्रेट होती है मतलब ये एक सीक्रेट ही मिलना पड़ता है गाइज क्योंकि ये भाई एजेंसी ना भाई बहुत गोफी है एंड इनके पास ऐसे ऐसे कमांडोस है ना भाई मतलब भाई खतरनाक वाला मतलब समझ रहे इनका भाई कोई मुकाबला ही नहीं है मतलब। लेस्टर ने बहुत तारीफ की है तो भाई आई थिंक ये आ चुका है भाई। ये क्या है भाई ये कार में तो आया बट आई थिंक एक ही आया क्या बाकी के लोग मेरे को देख नहीं रहे। अरे लेस्टर ने ये एजेंसी की बहुत तारीफ की इसलिए मैंने यहाँ पर इनको मिलने के लिए इनसे डील करते हैं और मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर ले लूँगा एंड थोड़ा बजट में भी होना चाहिए। तो यार ये तो आ रहे कार्स के अंदर यार बट धीरे से आ रहे। चलो कोई ना यार आने दो उनको यार बहुत धीरे धीरे आ रहे कार में भाई स्पेशल एंट्री मारनी चाहिए थी यार। चलो कोई बात नहीं यार पूरा ही ठीक है यार अभी इतनी सेफ कार चला रहे भाई ड्राइवर तो नहीं हो गए ये लोग। अच्छा ये ना गाइस ओके भाई ठीक है यार कोई ना भाई ये आ रहे स्टाइल इसमें ठीक है तो इनका हम लोग देख लेते हैं एंड भाई सारी सिक्योरिटी हम लोग चेक करेंगे एंड भाई ये लोग कैसे बंदे हैं एंड क्या डील करते हैं इनका बॉस कौन है एंड ये वाली कैसी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते ना भाई एक बार चेक ज़रूर करना पड़ेगा। तो ऑल राइट भाई यहाँ पर ना भाई आ चुके हैं सारे के सारे एंड इनका मेरे को बॉस कौन है भाई ये ढूंढ रहे हैं। ओ भाई ये देख रहे हो भाई ये तो बिल्कुल एक कार्टून टाइप का लग रहा है मतलब। चलो ठीक है भाई देखने में तो ठीक ठाक है भाई चलो बढ़िया है। एंड ये तो भाई कुछ समझ नहीं आया भाई ये क्या कैमरा या टीवी ला के घूम रहा है इसकी कोई स्पेशल पावर है। चलो वो भी देख लेंगे हम लोग कोई बात नहीं। एंड ये तो भाई थोड़ा सा यार मेरे को कहीं देखा हुआ लग रहा है बट चलो ठीक है। एंड ओ भाई ये कौन है भाई ये तो बहुत पावरफुल एंड मेरे को ना भाई स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है एंड ये भी मेरे को थोड़ा सा ना भाई बढ़िया लग रहा है। तो आई थिंक ये ना इनका भाई पूरा का पूरा ग्रुप होने वाला आई थिंक ये जो इनके जो स्पेशल लीडर्स आए हुए ओके कोई बात नहीं।
एंड इनके ना भाई ये सेम ग्रुप सेम कपड़े वाले कुछ और भी लोग होंगे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि अभी हमारा ना जो बॉस आ रही है। चलो यार बॉस यार कहाँ से आ रही है भाई? अरे भाई बॉस पानी में से ही आई क्या? ओ भाई ये इनके लीडर है भाई, ये स्पेशल बॉस है इनकी। एंड इसका नाम मुझे लेस्टर ने बताया, इसका नाम सोनिया है भाई साहब। यहाँ पे सोनिया तो कुछ ज़्यादा ही गाइस, ठीक है ओके इनसे बात कर लेते हैं। एंड क्या सीन है एंड क्या नहीं है, इनसे बात कर लेंगे, डील कंप्लीट कर देगी। एंड कितना पैसा लगता है क्या लगता है तो हमें सब कुछ आई थी वो बता रही है। चलो ओके एंड भाई साहब सोनिया हमें कुछ बताना नहीं चाहती, चलो आ जाओ ठीक है। तो आ जाओ यार, सामने ही आ रहे हो यार, मेरे को आगे जाना पड़ रहा है। चलो कोई ना यार, बड़े लोग यार, अभी हमको आगे जाना पड़ता है। तो ओके गाइस ये मेरे को बता रही ना, ये जो है ना भाई सुपर रेंजर है एंड इन्होंने बहुत खतरनाक वाले फाइटिंग में ना गाइस भाग लिया है। ओके एंड इसका क्या सीन है इनसे पूछ लेते हैं भाई। ये एक आयरन सूट है, अच्छा ठीक है, इन्होंने बता रही कि एक आयरन सूट है एंड इसमें भाई ये खतरनाक ऐसे कुछ होता नहीं है, डैमेज आता नहीं है। एंड ये क्या सीन है भाई? एंड ये मुझे बता रही ना ये एक सोल्जर है। ओके एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ना गाइस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स होते ना उसमें काम किए एंड मतलब सक्सेसफुल सारे मिशंस कंप्लीट किए। ओ भाई एंड इसका क्या सीन है भाई? इसका तो ठीक है, ये बता रही कि इसका कुछ ना भाई बढ़िया सीन है। ये बाइक खतरनाक है, मतलब इनका बाइक पूरा इल्यूजन कर लेते, पता नहीं क्या बोल रहे, मुझे समझ नहीं आया। एंड इसका तो मुझे पता ही है, तो एक फाइटर है। ओके ये है ना भाई सोल्जर आर्मी बोल सकते हैं, स्वैट का टाइप का ऐसे कुछ। तो ओके गाइस तो मुझे ना भाई सबसे ज़्यादा ये वाला पसंद आया, ठीक है आयरन रेंजर मतलब आयरन सूट में जो बनता है ना। ओके तो हम लोग इनको बोल देते हैं यार कि ये जितने भी लोग हैं ना भाई सबके क्वांटिटी में भाई तीन तीन कर दो एंड हमें बढ़िया वाले हमारे घर पर ना एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे ना भाई मीटिंग हो चुकी है एंड डील हो चुकी है एंड सारा का सारा पैसा मैंने फ़ोन पे कर दूंगा या UPI कर दूंगा। तो यार छोड़ो यार, सोनिया मैडम तो जा चुके हैं एंड भाई वो बोल रहे हैं कि कल तक ना सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड इस जो भी लीडर्स हैं ना इनके जो भी ग्रुप्स हैं मतलब इनके ग्रुप होता है सेम ड्रेस टाइप में, ठीक है ना, तो वो आ जाएंगे एंड ठीक है। तो मैं बोला ओके कोई बात नहीं। तो यार सिक्योरिटी तो अच्छी लगी यार, आप लोगों को कैसे लगे बताना यार मुझे, क्या लगता है आपको और कौन सी सिक्योरिटी के नाम पता है तो मुझे बोलो यार, हम लोग वो भी लेने की ट्राई करेंगे। क्योंकि अभी लेस्टर ने मुझे इनसे मिलाया, तो यार अभी मुझे नहीं पता यार, अभी वो बोल रहे थे और बहुत सारे, तो आप मेरे को बता कि आपको कौन सी सिक्योरिटी बढ़िया लगती है। क्योंकि लेस्टर ने मुझे यही बोला है कि यार ये सस्ता एंड टिकाऊ है, तो भाई मैं बोला ठीक है। अभी जो महंगी वाली सिक्योरिटी है यार वो तो अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ सकते हो अभी तो यार माइक एंड पहले लूटा हुआ है एंड उसका पहले शोरूम लूट दिया है डगर बोस्टियन वगैरह वगैरह, अभी तो यार बहुत मुश्किल है। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे, मुझे बताना यार कोई बढ़िया सी सिक्योरिटी का नाम चैट पे, अगर लाइक कर रहे हो तो लाइक करो, पूरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो सब्सक्राइब करो यार। तो ऑल राइट गाइस यहाँ पे लेस्टर को हम लोग थैंक यू बोल देते हैं एंड भाई बढ़िया वाला काम किया है भाई हमारे यहाँ पर। अभी हम लोग जाते हैं नंबर देखते हैं भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये मुझे बोल रहा है कि सिक्योरिटी रख लो यार, ये सस्ते में आने लगा तो मेरे से पैसे ले लेना एंड उधार, भाई समझ रहे बंदा उधार में देता है भाई, ऐसे नहीं कि ले लो भाई, मतलब ये बंदा ऐसा है कि भाई काम करो पैसा लो भाई। तो यार चलो कोई बात नहीं, उसका भी सही यार, उसने भी अपना दिमाग लगा के ना भाई ये मानसन खरीदा है, तो यार चलो कोई बात नहीं है। एंड भाई अब चलते हैं अभी हमारे घर पर एंड भाई यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग घूम लेते हो। भाई ये क्या है भाई, ये क्या किया लेस्टर ने यार, पूरा ही चेंज कर दिया शहर को, तो भाई स्पेशल शेप ये भाई सब कुछ लगा रखा है भाई इसने, तो यार भाई मज़ा ही आ गया भाई लेस्टर का घर देख के। तो यार चलो भाई यहाँ से ना भाई घर से इसके बाहर निकलते वरना और कुछ ना देखने को मिल जाए भाई इसी, क्योंकि लेस्टर है भाई, लेस्टर के पास में भाई मतलब अभी मास्टरमाइंड है भाई, समझ रहे हो भाई हैकर कीकर भाई क्या क्या नहीं है। चलो भाई यहाँ से हम लोग भाई देख रहे क्रूज वाली गाड़ी भी खड़ी है एंड भाई यहाँ पर सब कुछ मर्सिडीज सब कुछ खड़ी है। तो भाई यहाँ से निकलते हैं एंड भाई चलो अपने मैगल वाले घर पर देखते हैं भाई कल तक ना भाई सिक्योरिटी मिल जाएंगी एंड भाई वो सिक्योरिटी कैसे होने वाली है एंड उस पर हम लोग ना भाई ट्रायल भी करने वाले, मतलब टेस्ट करेंगे कि यार सिक्योरिटी कैसी है, मतलब समझ रहे हो भाई बढ़िया वाली सिक्योरिटी है या नहीं, उन पर चेक करेंगे भाई एक काम की सिक्योरिटी है मतलब ऐसी ही है भाई। तो लेस्टर ने मुझे आइडियाज़ दिए, पता नहीं क्या आइडियाज़ दिए, बोल रहा था कुछ करेंगे जिनका हम लोग टेस्ट लेंगे भाई, देखते हैं कितने बहादुर है भाई ये लोग एंड क्या है भाई। तो चलो भाई जब तक हम लोग घर पर जाते हैं एंड भाई देखते हैं भाई इनका टेस्ट कब तक ये लोग ना हमारे घर पर आ जाते हैं।
अभी लगता नहीं कि यार अभी कोई अटैक ना हो भाई, अभी ये एक दिन है भाई हमारे पे कोई अटैक ना हो, समझ रही, अभी तो इतने अटैक्स हो रहे हैं हमारे घर पर एंड अभी आई होप कि कोई अटैक ना, क्योंकि सिक्योरिटी कल आने वाली है ना। तो चलो यार अभी हम लोग जाते हैं एंड कल मिलते हैं आपको गाइस, देखते हैं गाइस। तो ऑल राइट गाइस, सुबह हो चुकी है एंड ब्रो यहाँ पर भाई आ चुकी है सिक्योरिटी एंड भाई देख रहे हो भाई खतरनाक वाली गन्स, भाई खतरनाक वाली गन्स भाई लेके खड़े हैं भाई साहब, बहुत सही। एंड मुझे लगता नहीं भाई अभी कोई ना भाई दुश्मन का जो भी बंदा है ना भाई यहाँ पे आके अटैक कर पाएगा मेरे, क्योंकि ना भाई फुल आर्मर गिरमर पहन के रखा है। तो भाई ये मुझे बोल रहा है कि मैं अभी तुम्हारा ना भाई पर्सनल बॉडी गार्ड बन के रहूँगा, तो मैं बोला ठीक है भाई पर्सनल बॉडी गार्ड बन सकते हो भाई, क्योंकि ये जो है ना भाई स्पेशल फाइटर है एंड भाई खतरनाक प्लेयर है, तो मैं बोला ठीक है भाई। एंड ये लोग घर का पैरा देंगे एंड भाई उसको और भी कुछ मेरे को टास्क दे रहे हैं, तो अभी ये लोग तो अपने अपने मर्जी से खड़े हो गए कि कोई बात नहीं। एंड एक पैरा दे रहा है भाई, अच्छा एक ही बंदा है, चलो कोई ना यार भाई एक बंदा ठीक है। तो अभी हम लोग ने इनको बोला है कि यार अभी हम तुम्हारा ना भाई एम टेस्ट करेंगे, मतलब तुम जो गन चलाते हो ना भाई तो कितनी स्पीड है तुम्हारा एंड भाई कितनी एक्यूरेसी, तो भाई सब कुछ चेक करना है। ये बोला ठीक है भाई आप हमारा टेस्ट ले सकते हो। तो यार अभी माइकल का टेस्ट पता है आपको भाई कैसा है भाई? हम लोग ना भाई खतरनाक वाला टेस्ट करने वाले हैं इन लोग पे, इनको पता नहीं कि भाई क्या टेस्ट होने वाला है। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है इतने सारे चिकन दिख रहे भाई, चिकन हेन जो भी है मुर्गी आप उसको बोलते हो, तो मैं बोला भाई इसको ना भाई सबको मारना है एंड एक भी मुर्गी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो भाई चलो देखते हैं भाई, एंड ये रेंजर है सुपर रेंजर है, देखते भाई कितने मुर्गियों को मार पाता है। ओ भाई इसने तो भाई ठीक है, चलो भाई सबको मार दिया यहाँ पे, तो यार सब लोग अटक चुके थे एंड यहाँ पर लग रहा है कि एक ना भाग चुकी है भाई, एक दो एंड तीन चार, ओ भाई एक को तो मार दिया, चलो तीन आउट है, चार चार भाग चुके हैं, चार और पांच भाई यार ये सुपर रेंजर्स ने पांच को नहीं मारा, एक को मार दिया यार लेट मारा है, तो चार ही काउंट करेंगे, चलो ठीक है एक दो एंड भाई तीन। चलो अभी दूसरे का टेस्ट लेते हैं एंड भाई देखते हैं वो कितनी मुर्गियाँ मारता है, क्योंकि टोटल ना भाई 20 या 25 मुर्गी हैं यहाँ पर, 25 है गाइस ठीक है। तो अभी चलो यार हमारे गाइस पावर गार्ड का टेस्ट लेते हैं एंड देखते हैं। ओ भाई इसने तो एक ही बारी में भाई सबको ही मार दिया एंड इसके पास खतरनाक वाली गन है भाई, एंड दो मुर्गी भाग रहे, अरे भाई क्या कर रहा है यार, एक तो नीचे रहेगी एंड खत्म है भाई, भाई खतरनाक वाली गन है इसके पास एंड एक तो ना भाई भाग चुकी है भाई। तो यार इसका स्कोर मेरे को बढ़िया लगा एंड इसने 25 में से ना भाई 24 को नीचे गिरा दिया, तो यार सही है भाई इसका एम तो, मतलब गन भी सही है, बट चलो ठीक है इसने ट्राई नहीं किया मारने का, वो बोल रहा है कि ना भाई खतरनाक गन है। चलो अभी यहाँ पर टोटल गाइस हमने 50 मुर्गियाँ रखी है एंड अभी दोनों का ना भाई सेम शॉट है, तो मतलब हम दोनों का साथ में लेंगे एंड भाई चेक करेंगे कि ना भाई इनका क्या एक्यूरेसी है। ओ भाई ये तो भाई दिमाग वाला लग रहा है सोल्जर्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओ भाई जाने नहीं दे रहे बिल्कुल, ओ भाई खत्म 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 है भाई, खत्म है भाई, ओके ओके भाई बहुत सारे ना भाई भाग चुके, अरे भाई यहाँ पर तो भाई बहुत सारे भाग चुके भाई, ये क्या चल रहा है, अरे ये तो किसी को मार ही नहीं रहे भाई यार, ये कैसे सोल्जर्स, लगता है इन दोनों को निकालना पड़ेगा, फालतू के पैसे हमारे पास नहीं थे यार, ये क्या यार ये तो इतने सारे भाई भाग रहे, 50 में से कितने लोग या कितने छोटे लोग, अभी गिनना भी मुश्किल लग रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है, मेरे पे फायर कर देता भाई यार, ये मेरे को दो कमज़ोर लग रहे हैं, इनकी मेरे को नहीं लगता ऐसे गन लेनी चाहिए, मेरे को आयरन वाला बढ़िया लगा। ओ भाई ये क्या सामने से आ गया भाई, और इनकी स्पीड और इनका ना भाई बढ़िया है, बस इनकी एक्यूरेसी ना इतनी खास नहीं, तो ये सस्ते में यार क्या ही मिलेगा यार, ये समझ ही सकते हो यार सस्ते में यार यही मिलने वाला है, इनकी ना भाई इन दोनों की एक्यूरेसी इतनी खास नहीं है। वो जो पहले के रेंजर्स एंड भाई जो आयरन सूट वाला बंदा था ना भाई वो बढ़िया है, इनकी एक्यूरेसी एकदम एकदम है, बट ये जो दोनों है ना भाई इनकी थोड़ी सी भाई टट्टी वाली एक्यूरेसी एंड भाई लग नहीं रहा ये मेरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और भाई चलो भाई इसको भी मार देते, मेरा भी एम बढ़िया है भाई एंड खत्म है भाई। तो आपको क्या लगता है दोनों को निकाल देना चाहिए, बता दो यार कौन सी वाली भाई सिक्योरिटी में लगाओ यार, आयरन वाला एंड रेंजर सुपर रेंजर तो मेरे को बढ़िया लगा भाई, वो दोनों भी गैंग बढ़िया लगी एंड ग्रुप मतलब जो भी है उन दोनों का, ये अभी भी फायर ही कर रहा है भाई, वो देख रहे हो अभी भी फायर जाके चेक ही कर रहा, उसे मिल ही नहीं रहे भाई अभी तक यार, ये दोनों मेरे को टट्टी लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनको रखना चाहिए, वरना ये लोग तो भाई मेरे को डुबा देंगे, देख रहे हो भाई क्या यार पीछे भाग रहे अभी तक एक नहीं मरी इससे,
तो यार ये लोल हो गया बिल्कुल ही, मतलब भाई क्या ही बोलूँ यार, ये कुछ काम के नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, एंड इनको ना भाई बोलते हैं कि यार तुम्हारा काम तो अभी हो चुका है, एंड लेस्टर से बात करनी पड़ेगी यार, इन दोनों का भाई गेम बजाना पड़ेगा, इनका टेस्ट ना अभी असली वाला टेस्ट लेना पड़ेगा, एंड वो लेस्टर ही ले सकता है, अभी तो मेरे पास तो लोग नहीं है। एंड चलो गिन लेते हैं गाइस, वो बोल रहे हैं कि भाई चेक कर लो कि यार कितने कितने बचे, अभी सबको मार दिया यार, यार पता नहीं, चलो यार चेक कर ही लेते हैं इनका दिल रखने के लिए, वरना ऐसा ना हो कि भाई प्रॉब्लम हो जाए। अभी यहाँ पर तो भाई तीन तो भाग चुके आई थिंक, भाई ये बोल रहा है कि चलो मेरे साथ जल्दी से चलो, मेरा एम देखो भाई, क्या मजाक कर रहा है तू, अभी तेरा एक और देखने के लिए मैं रोड पर भागू। चलो ठीक है यार, बिल्कुल सूट किट पहन के आया भाई, टीवी की भी लगा के आया भाई, क्या ही बोले। ओके ओके चल 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 ठीक है, ओके बहुत सही। ओ भाई एक को मार दिया वहाँ पर देख सकते हो, ओ भाई अरे वो आदमी को ना लग जाए भाई देख कर, वरना केस किस हो गया ना भाई, लग जाएगा। एंड भाई चलो ये भी ख़त्म है भाई, यहाँ पर देख रहे हो इसको भी मार दिया, एंड ये भी ख़त्म है, एक और ये दो भाई, इसने सबको मार दिया। इसका एम ना भाई वो बोल रहे हैं कि मेरा लॉन्ग रेंज में बढ़िया है, मैं शॉर्ट रेंज में इतना ना देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा टीवी लगा है ना सर पर, तो मैं देख नहीं पाता हूँ। चलो यार ठीक है भाई, लॉन्ग रेंज प्लेयर है एंड स्नैपर चलाता है ये, तो भाई इसके पास स्नैपर क्यों नहीं है फिर। चलो कोई बात नहीं, ये बोल रहा है स्नैपर मैं घर पर बोल के आ गया, एंड ये जो गन है ना भाई मैं उतार लिया हूँ। ओके भाई लेस्टर को कॉल करते हैं, इनको कुछ करते हैं यार, एंड इनका बोलते हैं इसका हम लोग अपना सिक्योरिटी का टेस्ट कब लेंगे, एंड इनका बहादुरी देखना है मेरे को, तो अभी वो बहादुरी वाला टेस्ट ना हमको भाई जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। लेस्टर ने कुछ बोट्स लगाए, मतलब जो रोबोट्स होते हैं ना भाई बिल्कुल इंसान की तरह देखते हैं, एंड वो भाई वो छोड़ने वाला है मेरे घर के सामने, तो देखते ये मेरे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है तो यार गाइस अभी इसका रह गया था, एंड भाई चलो यार इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ओके ओके ये तो मेरे को सही लग रहा है, ये तो भाई बिल्कुल ही गाइस भाई क्या कर रहा है भाई। चलो ठीक है यार गाइस, अभी इनके पास जो स्पेशलिटी ना, ये अभी मुर्गी को मारने वाली स्पेशलिटी नहीं है, समझ रहे तो गाइस कोई बात नहीं, जो गन से भाई ये फाइट करने वाली गन से, तो भाई कोई बात नहीं। चलो गाइस ये जो गन है तो भाई मुझे लगता नहीं गन को भाई हम लोग मुर्गियों को मार पाएंगे, ये सिर्फ वॉर फाइट में यूज़ कर सकते, तो इन सब की स्पेशल स्किल्स होती है गाइस, तो ओके यार कोई बात नहीं, हम तो ब्लेम नहीं करेंगे। तो ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना अभी लेस्टर ने कुछ काम कर दिए हैं, एंड इसने अपने रोबोट छोड़ दिए भाई, एंड इनको पता ही नहीं कि ये रोबोट है। चलो मेरी तरह नाटक कर लेता हूँ, बोलता हूँ कि यार मुझे बचाओ जल्दी से, एंड भाई ये ख़त्म है भाई, अरे भाई ये रोबोट को तो मार दो, इसको पता ही नहीं। चलो भाई ख़त्म है भाई, ओके बहुत सही, इन्होंने तो मेरे को बचा लिया पीछे की भाई, बढ़िया लगी मेरे को भाई टाइमिंग भाई, एक ही सेकंड मेरा भाई सबको ही ख़त्म कर दिया। चलो यार ये बढ़िया लगा मेरे को, आई थिंक सब मर चुके हैं, ओके आई थिंक सब मर चुके भाई, सबको ही मार दिया यार इनका ना गाइस, एक्सक्यूज मी, इतने कम सेकंड मेरा भाई इतने सारे रोबोट्स को मार दिया है, अभी इनको पता नहीं है रोबोट्स है भाई, इनको पता ही नहीं अभी। चलो ठीक है यार गाइस यहाँ पर सब कुछ भाई सही चल रहा है, ओके ये मुझे कुछ बोल रहा है ठीक है, तो यार आयरन सूट को पता चल गया कि यार रोबोट्स है यार ये तो, ठीक है यार कोई बात नहीं, ये रोबोट्स है इन्हें पता चल गया, एंड मैंने बोला है कि यार मैं तुम्हारा ना भाई टेस्ट ले रहा था, एंड भाई सब कुछ क्या सी है, तो भाई यार ये क्या है, यहाँ पर तो लेस्टर आ चुका है, ठीक है ओके लेस्टर इधर आ चुका है, एंड भाई कुछ बातें करना चाहता है आई थिंक, इससे हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं लेस्टर क्या कहता है भाई, इसने सारे रोबोट्स तो सेंड किए, एंड भाई यहाँ पर इसे बताते हैं कि सिक्योरिटी कैसी लगी हमारी, एंड क्या सीन है, ठीक है तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे हमने इसको बता दिया, एंड भाई सिक्योरिटी तो बढ़िया है गाइस, एंड इसने बोला है कि यार मैंने बढ़िया वाले रोबोट सेंड किए थे, एंड बढ़िया वाला उसमें एआई वाला सिस्टम था, एंड भाई सब कुछ, बट इन्होंने बहुत ही कम टाइम में ना भाई सबको मार गिरा है, तो यार चलो अच्छी बात है, एंड भाई खतरनाक वाला सीन था, ओके ब्रो, एंड कोई भी हमारे सिक्योरिटी में जो बंदे थे ना भाई कोई भी डैमेज नहीं हुआ, तो यार चलो भाई अच्छी बात है, एंड मुझे लग देखते हैं अभी गाइस कौन हम पे भी अटैक करते हैं, मुझे लगता है अभी कोई अटैक कर पाएगा, अभी हम लोग ये सिक्योरिटी को लेके ना गाइस अटैक कर सकते, तो यार चलो यार गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
आपको मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब जरूर कर। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय। हेलो मैम।